राधे राधे फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हमें नहीं पता है कि कब कहाँ किससे क्या शिक्षा मिल जाए, हम नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें एक छोटे छोटे से बच्चे हमें समझा जाते हैं कि हमें एक एक बात हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी की सहायता करने का मौका मिले ज़रूर कीजिए। हमें नहीं पता अगला आदमी कितनी ज़रूरतमंद, कितनी उसको ज़रूरत है, पर सहायता करके ढिंढोरा मत पीटिए कि मैंने उसकी सहायता की, मैंने उसकी सहायता की, ऐसा ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। मेरे फैमिली फ्रेंड जुगल किशोर जी बता रहे थे, हरिद्वार गए थे गंगा नहाने, तो अपनी फैमिली के साथ में, तो हरिद्वार से उन लोगों का प्रोग्राम बन गया ऋषिकेश जाने का। उन्होंने कहा चलो ऋषिकेश भी जा हो आते हैं, वहाँ लक्ष्मण झूला भी है तो हम लोग सब हो आते हैं। बच्चे भी थे उनके साथ में, उनका बेटा अरमान, उनकी बेटी, तो वो सब मिलकर गए। जब वहाँ गए तो एक ऋषि के आश्रम में चले गए, जिनको कि जुगल किशोर जी के फ्रेंड ने उनको कहा था कि आप उस आश्रम में चले जाइएगा, वहाँ पे आपका सारा इंतज़ाम हो जाएगा रहने का। तो उनको ज़्यादा देर रुकना भी नहीं था, एक ही दिन के लिए गए थे, तो उस आश्रम में वो गए। अब चांस की बात देखिए, उस आश्रम में जिस दिन वो गए उसी दिन वहाँ जो गुरुजी थे एक बच्चे को लेके बहुत परेशान थे, और वो बोल रहे थे ये बच्चा बार बार क्लास अटेंड नहीं करता है, खाने खाने के टाइम आ जाता है पर जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, मैं बहुत पूछता हूँ। जुगल किशोर जी ने कहा वो बच्चे का नाम क्या है, बोले जी उसका नाम विनय है, विनय नाम का लड़का है वो, और जैसे ही मैं पढ़ाई लिखाई का काम शुरू कराता हूँ हर किसी किसी दिन, हर रोज़ नहीं किसी किसी दिन, मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन गायब हो जाता है, कैसे करूँ। तो उसी दिन उन्होंने उस विनय को पनिशमेंट दी थी कि तुम गंगा से पानी भर के आश्रम में पानी ला के भरोगे। अब वो विनय बेचारा सोचता जा रहा है पता नहीं मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो गुरुजी ने मुझे ये सज़ा दे दी, मैंने इतना तो कोई गलत काम नहीं किया था कि जो गुरुजी मुझे ये सज़ा दे रहे हैं। वो ये सोचता जा रहा था और ऐसा करते करते उसने सुबह से शाम तक पूरा पानी भर दिया आश्रम में, और उधर गुरुजी सोच रहे हैं कि देखो इसको एक बार भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, मैंने इसको पनिशमेंट दी है पर ये तो चुपचाप पानी भरता चला जा रहा है, तो कुछ बोल ही नहीं रहा, इसने मेरे से आके सॉरी भी नहीं कही। अब गुरुजी उधर ये सोच रहे, उधर विनय ये सोच रहा, और दोस्त अलग परेशान कि पता नहीं विनय रोज़ रोज़ कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है। वैसे तो जुगल किशोर जी गए तो एक ही दिन के लिए थे, पर ये जब समस्या सामने आई तो वो रुक गए थोड़ा। जुगल किशोर जी को भी ये धर्म वगैरह की तरफ बहुत उनका रुझान रहता है, तो वो रुक गए। उन्होंने रुक कर और गुरुजी से कहा चलिए गुरुजी मैं आपकी ही सहायता करता हूँ इन सबको ढूंढने में। जुगल किशोर जी ने उस आश्रम के बच्चों से कहा, बोले देखो वो जो विनय है वो गुरुजी को नहीं बता रहा है क्योंकि वो गुरुजी से डरता है या गुरुजी का सम्मान करता है या जो भी रीज़न है, तो ऐसे करो तुम लोग उससे बात करो, तुम्हें बताएगा ज़रूर। तो क्या हुआ कि वो बच्चों ने विनय से पूछा, बोले विनय क्या बात है, एक तो तुम क्लास नहीं अटेंड कर रहे, ऊपर से तुम्हें पनिशमेंट मिली तो अभी तुमने गुरुजी को बताया तक नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो विनय ने कहा ऐसा हुआ एक दिन हम लोग जब जंगल से लकड़ियाँ चुनने गए थे तो मैंने सामने से देखा कि एक है ना बुज़ुर्ग आदमी चले आ रहे थे, और उधर से मैंने देखा एक शेर आ रहा था, तो मैंने शेर को थाल डंडा बजा बजा के मार मार के उस शेर को भगा दिया, और मैंने उस बुज़ुर्ग आदमी की रक्षा को बचा लिया शेर के खाने से। कुछ दिन बाद बोले मैं खुद जा रहा था तो फिर से कोई शेर आ रहा था तो वो बुज़ुर्ग आदमी ने मुझे बचा लिया शेर से, तो इस तरीके से मेरा उनसे मिलना जुलना हो गया। विनय बता रहा था, बोले फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद वो क्या करता था, जिस समय भी उसको टाइम मिलता था विनय को, उन बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास चला जाता था, उनकी छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी जंगल में और वो वहीं रहा करते थे, तो वो उनके पास जाकर उनके साथ बैठा करता था और उनसे बातें किया करता था, अच्छी अच्छी बातें करते थे वो, तो उनसे वो बातें किया करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो गुरुजी पड़ गए, वो वृद्ध आदमी जो थे वो बीमार पड़ गए, तो ये विनय ने क्या किया अपना पढ़ाई के टाइम में जाकर उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। इसलिए बोला विनय, बोला इसलिए मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाता हूँ। जब विनय ये सारी बातें अपने दोस्तों को बता रहा था, दोस्तों उसी वक्त जुगल किशोर जी अपनी फैमिली के साथ
अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ पीछे खड़े थे और उसके गुरुजी भी पीछे खड़े थे, उन्होंने ये सारी बातें सुन ली। उन्होंने विनय से कहा, देखो विनय, यदि तुम हमें बता देते कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई समस्या है, तो हम तुम्हारी हेल्प करते। तो विनय ने कहा, बोले गुरुजी, मैं डर गया था, मुझे लगा शायद आप मुझे उनकी सेवा के लिए जाने नहीं देंगे, इस डर के मारे मैंने आपको ये बात नहीं बताई। तो गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, आगे से ऐसा कभी मत करना, यदि तुम हमें बता देते तो हम सब मिलकर उनकी सेवा करके उनको ठीक कर देते हैं। तो देखिए, विनय इतना छोटा सा बच्चा जो कि आश्रम में पढ़ रहा था, उसने भी उनकी सहायता की पर ढिंढोरा नहीं पीटा। आपको ये सब मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि कुछ समय बाद में विनय आश्रम से पढ़ लिख कर आगे जाकर बहुत बड़ा इंजीनियर बना और उसने खुद अपने आप ही ब्रिजेस और डैम्स और पुल्स इन सब की इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट बना वो, और उसने नाम कमाया अपने देश में भी और विदेशों में भी। तो कभी भी हमें इस लालच से किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए कि उसके बदले हमारा अच्छा होगा, हमें अच्छा मिलेगा। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं। जब किसी को ज़रूरत हो, ज़रूर सहायता कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स, सी यू सून।